नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुंदर सिंह बैसोया फ्रॉम स्पीड टेक इंजीनियरिंग कंपनी लोनी गाजियाबाद। आज हम आपको ट्रायल दिखाएंगे, हमारा एक मॉडल है B23 ड्यूअल अटैचमेंट, जिसमें एक तरफ कोएक्सल केबल, जिसे फिल्टर जम्पर, टावर के फिल्टर जम्पर भी लोग बोलते हैं, और एक तरफ वो 1 mm से लेके 55 mm तक काम करती है। वो उस मशीन का हम आज आपको ट्रायल दिखाएंगे। जो पिछले हफ्ते हम किसी कारण से वीडियो नहीं दे पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इसमें जैसे कि ब्लेड हमारा कौन सा मेटल का है, कैसे बनता है, मैं वो भी दिखाऊंगा। और इसका एक नेक्स्ट वर्जन हम और लॉन्च कर रहे हैं, शायद अगले 15-20 दिन में वो लॉन्च हो जाए, जो एनाकोंडा वायर के लिए होता। आपने देखा होगा 90 mm, 120 mm, काफ़ी बड़े बड़े वायर होते हैं जो कि ज़मीन में पड़ते हैं, अंडरग्राउंड वायर पड़ते हैं। मैं आज उसका भी थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वो मशीन बन रही है, और नेक्स्ट वीडियो शायद मैं उसी मशीन पे बनाऊं। ठीक है दोस्तों, आओ मैं आपको दिखाता हूं अपनी मशीन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम अपने B23 मॉडल के बारे में बात करेंगे। वो हमारा मॉडल है ये, इधर दिखाऊँ, ये एक तरफ ये 1 mm टू 55 mm तक काम करती है। और ये जो अटैचमेंट है, ये कोएक्सल केबल, जिसे लोकल लैंग्वेज में कबाड़ी लोग फिल्टर जम्पर बोलते हैं, उसके लिए अटैचमेंट लगाई हुई है। आओ मैं दिखाता हूँ, ये हमारे ब्लेड बन रहे हैं, ये 1x1 कटते हैं लट्ठे में से, जिस मेटल का नाम है HSS M2। आप हमारे ब्लेड लेबोरेटरी में भी टेस्ट करा सकते हैं। और इनसे ऊपर का एक नेक्स्ट वेरिएंट हम लॉन्च करने वाले हैं शायद अगले 15 दिन में। आइए मैं दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो मॉडल है जिन्हें एनाकोंडा वायर बोलते हैं। कई बार ये अंडरग्राउंड मशीन में यूज, अंडरग्राउंड वायर में यूज़ होती है ये मशीन, जो बहुत 90-120 mm तक के डायमीटर के होते हैं। ये खासकर ज़मीन के अंदर पड़ते हैं और इंडस्ट्रियल यूज़ के या बिजली विभाग में ये माल निकलता है। ये हम अगले 15-20 दिन में ये मॉडल अपना लॉन्च कर देंगे। जैसे ही हमारा ये लॉन्च आएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बना के आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है जी, अब मैं दिखाता हूँ अपने मशीनों का ट्रायल। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक सर्विस की ज़रूरत। सभी की जरूरत इन छोटी मशीनों से पूरी नहीं होती है, ये छोटी मशीनें होती हैं जो घरेलू बिजली पर चल जाती हैं और छोटा मोटा काम करने के, जैसे कि किसी के पास 200-400 किलो पर डे का घरेलू माल आता है, 1 mm, 1.5 mm एल्यूमिनियम का केबल, और कभी कभी इस टाइप का मोटा भी आता है। तो ये मशीनें ये चला, मैं आपको दिखाता हूँ छोटे वायर से लेके बड़े वायर तक कैसे ये काम करती है। यार्मड वायर था, इसके ऊपर जो लोहे की पत्तियाँ होती हैं, यार्मड वायर। इसमें 3 वायर निकले हैं जो सॉलिड वायर है। उधर दिखाओ, हाँ ठीक है दिखाओ।
जिसे बोलते हैं टिकस डंडा, ये HDPE हाई डेंसिटी पॉलीमर चढ़ा होता है और बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये वाला। ये जल्दी से मशीन के भी काबू में, मैं आपको इसे दिखाता हूँ।